नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 22 अप्रैल। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बीते दिन तक बिहार में कोरोना प्रभावितों का आंकड़ा पहुंचा 126। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत बीते दिन 13 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार का आंकड़ा 126 पर पहुंच गया है। वहीं मिले मामलों की बात करें तो 13 मामलों में से 4 बक्सर के हैं, 1 पटना का है, वहीं रोहतास का 1, वहीं मुंगेर के 7 मामले हैं, जिसमें पटना, बक्सर और मुंगेर का पॉजिटिव केस पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने की वजह से हुआ है। 30 अप्रैल तक धान और 15 जुलाई तक होगी गेहूं की सरकारी खरीद। किसानों की मदद के लिए आगे आई सरकार ने 30 अप्रैल तक धान की खरीदारी करने का ऐलान जारी किया है। इसके बाद बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की तरफ से पहल की गई है। वहीं किसान को कई तरह की छूट भी दी गई है। हालांकि हर साल धान 31 मार्च तक खरीद लिए जाते हैं, लेकिन उसे बढ़ाकर इस बार 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। खबरों की माने तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। बिहार में सभी निजी अस्पतालों को खोलने का जारी किया गया आदेश। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने बिहार के सभी निजी अस्पतालों को खोलने का ऐलान जारी कर दिया है, जिसका आदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना के मरीज की जांच के दौरान उनका ब्यौरा लिया जाए और साथ ही उसकी जानकारी संबंधित जिले के अधिकारी को भी दी जाए, जिसके बाद बीते दिन से निजी अस्पताल, क्लिनिक, जाँच केंद्रों तथा फार्मेसी को खोलने का आदेश जारी किया गया है। बंद के बीच बिहार में सड़क निर्माण की 300 योजनाओं पर होगा काम। बंद के बावजूद सरकार द्वारा निर्माण कार्य को दोबारा से शुरू करवाने के बंद के इस माहौल में बिहार में सड़क निर्माण की 300 योजनाओं पर काम शुरू करने का आदेश जारी किया गया है, जिसकी जानकारी राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने दी है, जिसके तहत उन्होंने मोकामा में गंगा नदी, वहीं आटा घाट सिमरिया में 6 लेन पुल और कच्ची दरगाह बिदुपुर में पुल, वहीं महात्मा गांधी सेतु और स्टील एलिवेटेड रोड और सोन नदी पर कोइलवर पुल आदि का निर्माण कार्य शुरू करवाने का आदेश जारी किया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में इन 10 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन बीते दिन किया गया था, जहां पर कुल मिलाकर 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत फसलों की बर्बादी के लिए 518 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। साथ ही कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए राशि जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों के लिए भी अहम फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें, बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। बिहार के संविदा कर्मियों को मार्च और अप्रैल का मिलेगा पूरा वेतन। बिहार के सभी संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने बिहार के सभी संविदा कर्मियों के मार्च और अप्रैल महीने के पूरे वेतन को देने का ऐलान जारी किया है। सरकार ने साफ कहा है कि बिना हाजिरी के रजिस्टर देखे सबको वेतन दिया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले से लगभग 5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। उठक बैठक वाले वीडियो को देखकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दी अपनी प्रतिक्रिया। अररिया में कृषि पदाधिकारी ने बिहार पुलिस के एक जवान से उठक बैठक करवाया। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल गया। फिर क्या था, हरकत में आई डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। साथ ही कृषि पदाधिकारी द्वारा जवान के साथ किए गए इस बर्ताव को पूरी तरीके से गलत करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हर विभाग के पदाधिकारियों की मानसिकता की जिम्मेवारी कोई ले सकता है क्या? इस वीडियो में जिस पुलिसकर्मी ने उस चौकीदार को ऐसा करने पर मजबूर किया है, उसे अब नहीं बख्शा जाएगा। किसानों की बर्बाद हुई फसलों के लिए जारी किए गए 1.58 करोड़ रुपए, उक्त जानकारी कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि किसानों के जो भी फसल बर्बाद हुए हैं, उसके लिए 2500 किसानों का आकलन करके 1.58 करोड़ रुपए उनके खाते में दिए जा चुके हैं। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि जांच की प्रक्रिया जारी है। खरीफ की फसल के लिए वैज्ञानिक तरीके उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार फसलों की सुरक्षा की जाए और मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाया जाए। वहीं दूध उत्पादन में बढ़ोतरी और पशु सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इसके लिए भी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। किसान किसी भी तरीके की परेशानी ना ले, सरकार हर कदम पर उनके साथ है। बिहार में 33,000 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सरकार ने लगभग 33,000 शिक्षकों की बहाली का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षा के पद पर बहाली की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें कुल 1,000 पद कंप्यूटर शिक्षक के होंगे। आपको बता दें, बिहार सरकार ने उक्त जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में दी है। कोरोना के जारी मामलों के बाद सरकार द्वारा लिए गए फैसले का क्रियान्वयन किया गया है। कोरोना की जांच के लिए नालंदा में 1 आईपीएस और 2 डीएसपी को भेजा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक जिले नालंदा में कोरोना के मामले बीते 2 दिन में काफी ज्यादा उछाल देखा गया है। नालंदा में हुए मामलों के बाद ही बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 126 पर पहुंच गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए नालंदा में 1 आईपीएस और 2 डीएसपी को तैनात किया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय ने दी है। और साथ ही यह भी कहा है कि आईपीएस अधिकारी और 2 डीएसपी रैंक के अधिकारियों को नालंदा भेजा गया है, जहां यह सभी अधिकारी मौजूदा हालात पर अपनी नजर बनाकर रखेंगे। साथ ही लोगों को घरों में रहने की अपील भी करेंगे।
तेजस्वी यादव ने की मीडिया कर्मियों के कोरोना जांच करवाने की मांग। कोरोना के बढ़ते असर के बीच डॉक्टर, सफाईकर्मी के अलावा मीडिया भी दिन रात लोगों तक खबर पहुंचाने में लगी हुई है। इसी क्रम में महाराष्ट्र और चेन्नई में कोरोना से मीडिया कर्मियों से प्रभावित होने की खबर सामने आई है, जिसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने बिहारी पत्रकारों की जांच कराने की मांग रखी है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सक्रिय सकारात्मकता के साथ प्रदेशवासियों को पल पल कोरोना पर जागरूकता और जानकारी से अवगत करा रहे सभी पत्रकार बंधुओं का कोरोना जांच करवाया जाए। पुलिस कर्मियों को अपमानित करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठाया सख्त कदम। अररिया में कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा पुलिस कर्मियों को अपमानित करने के मामले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को सख्त से सख्त कदम उठाने का ऐलान जारी किया है, साथ ही इस मामले को हल्के में नहीं लेने की पहल भी तेज की है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने अपने दूसरे पीए को भी हटाया काम से। बंद के आदेश के बावजूद शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के अधिकारियों द्वारा मछली पार्टी किए जाने के बाद सरकार उनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। पार्टी में शामिल कई लोगों को पहले ही काम से निकाला गया है। वहीं अब कृष्णनंदन वर्मा के दूसरे पीए को भी काम से बाहर कर दिया गया है, जिसके लिए कैबिनेट सचिवालय ने पत्र जारी कर दिया है। वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आदेश में कहा गया है कि नीतीश कुमार सिन्हा अब सचिव की सेवा समाप्त हो गई है। आरा के बड़हरा के 10 गांव हुए बंद। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए आरा के बड़हरा के 10 गांव को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं घर से निकलने वालों पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की बात भी कही है। भोजपुर जिले में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद उसके गांव में चारों तरफ 7 किलोमीटर के अररिया में पड़ने वाले सभी पंचायतों को बंद करते हुए लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में पड़ने वाले सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय को भी अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं पूरे क्षेत्र में नजर बनाए रखने के लिए DDC के साथ अन्य अफसरों की तैनाती भी की गई है। लॉकडाउन की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे डायरेक्ट कर रहे हैं फोन। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बंद की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए महिला सिपाहियों को फोन करने की पहल तेज की है, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में महिला जवान को कॉल करके उनका और उनके परिवार का हालचाल जाना है। इसके साथ ही बंद का रियलिटी चेक भी लिया है, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में छपरा के टाउन में तैनात महिला सिपाही सोनम कुमारी को कॉल किया था और बताया था कि वह डीजीपी बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उनसे उनके घर और परिवार का हालचाल जाना, साथ ही पूरे एरिया के बारे में भी जानकारी ली। 10वीं और 12वीं की CBSE की परीक्षाएं नहीं होंगी कैंसिल। कोरोना के बढ़ते असर के बीच 10वीं और 12वीं की CBSE की परीक्षाओं को स्थगित होने की खबर सामने आई थी, जिस पर अब CBSE ने सफाई देते हुए यह साफ तौर पर कह दिया है कि बोर्ड की परीक्षाएं जो भी बाकी हैं उसका आयोजन किया जाएगा। फिलहाल परीक्षा कैंसिल करने के लिए कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। वहीं बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि जल्द ही तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें, कोरोना के अचानक से आने की वजह से बोर्ड की कुछ परीक्षाएं रह गई थी, जिसे कुछ समय के लिए आगे स्थगित कर दिया गया था। पटना के निजी स्कूल प्रबंधकों को जारी किया गया आदेश। पटना के स्कूल प्रबंधकों को बिहार सरकार ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि कोई भी स्कूल जबरदस्ती किसी भी छात्र से अन्य फीस की मांग नहीं करेगा। अगर किसी स्कूल ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, जिसकी जानकारी शिक्षा पदाधिकारी ने देते हुए यह साफ तौर पर कहा है कि शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य कोई भी शुल्क की मांग करने पर सरकार के आदेश का उल्लंघन होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बहुत से अभिभावक द्वारा ऐसी बातें सुनने में आती है कि प्राइवेट स्कूल शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य शुल्क की मांग कर रहे हैं। बिहार में उज्ज्वला गैस कनेक्शन लेने वाले 95% लोगों के खाते में जमा हुए 842 रुपए। बिहार में उज्ज्वला कनेक्शन लेने वाले 95% लोगों के खाते में सरकार ने पैसे भिजवा दिए हैं। खबरों की माने तो सरकार ने सभी उज्ज्वला गैस कनेक्शन लाभार्थियों के खाते में 842 रुपए पहुंचाए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने जनधन योजना में जुड़े महिला के अकाउंट में 500 जमा करवाए हैं। सरकार ने इस पहल से लगभग 8 करोड़ उपभोक्ताओं को 3 महीने का सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराकर उनकी मदद की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से लाभुकों को राशि देने की समीक्षा की है। बिहार बीजेपी ने तेजस्वी यादव का जारी किया कार्टून। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना सबकी परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी जोर शोर से चल रही है, जिसकी वजह से राजद और सत्तारूढ़ पार्टी आमने सामने है। इसी क्रम में हाल ही में बिहार भाजपा द्वारा तेजस्वी यादव का एक कार्टून तैयार किया गया है। कार्टून में तेजस्वी यादव को मनोज झा स्कूल ऑफ ट्विटर पॉलिटिक्स का छात्र बताया गया है, जिसकी तस्वीर को भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने शेयर की है। साथ ही तस्वीर के साथ यह भी लिखा गया है कि बंद के कारण दिल्ली में मनोज झा स्कूल ऑफ ट्विटर पॉलिटिक्स का छात्र बन गया हूं, जिससे मुझे दिल्ली में ऐशो आराम फरमाते हुए भी बिहार में सब कुछ दिख रहा है। पटना के कमिश्नर साहब बन गए किसान। जहां एक तरफ पुलिस को उसके सख्त रवैये के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के कमिश्नर को किसान बनते हुए देखा गया है। बिहार के सहरसा में कमिश्नर साहब खुद किसान की वेशभूषा में दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद से गेहूं की फसल की कटाई भी की है। कोसी प्रमंडल के कमिश्नर के सेंथिल कुमार ने यह अनूठी पहल की है। उन्होंने किसानों की तरह गेहूं काटकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है।
बिहार विधानसभा में नगर निगम ने शुरू किया सैनिटाइजेशन का काम। बंद के आदेश के बीच सरकारी कार्यालयों में काम शुरू किए जाने के बाद बिहार विधानसभा में नगर निगम कर्मियों ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि हर रोज बिहार विधानसभा में आ रहे कर्मचारी कोरोना के प्रभाव से अपने आप को बचा सके, साथ ही स्वच्छ और साफ वातावरण में काम भी कर सके, जिसके तहत कर्मचारियों को प्रवेश करने के दौरान उनकी जांच करवानी भी अनिवार्य कर दी गई है। वहीं अब परिसर के अंदर प्रवेश करें उससे पहले सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखने को कहा गया है। महात्मा गांधी सेतु पुल पर अब मई के बाद होगा वाहनों का परिचालन। बंद के इस माहौल में महात्मा गांधी सेतु पुल निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं मई महीने के बाद इन पुलों पर वाहनों के परिचालन का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही पुल की मरम्मत का काम बीते मंगलवार से शुरू हो चुका है। वहीं सेतु प्रमंडल गुलजारबाग में मंगलवार को सक्रियता बढ़ाई गई है। कार्यालय से लेकर अधिकारियों के वाहनों को सैनिटाइज करने का काम भी किया गया है। बांका शामिल हुआ ग्रीन जोन में। बिहार के बांका जिले को ग्रीन जोन में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद इस जिले में कुछ विभागों में काम करने की छूट भी दी गई है। इसके साथ अब यहां पर कृषि मदद से ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग के रोड निर्माण स्वास्थ्य सेवा नल जल सेवा को छूट मिली है, जिसकी जानकारी डीएम सुहास भगत और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी है। वहीं प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि जिले की राशन दुकानों में भी राशन का वितरण किया जाए। बंद के दौरान सरकारी दफ्तरों के टाइम टेबल में हो सकता है बदलाव। बंद के दौरान सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों को खोले जाने के निर्णय के बाद बीते सोमवार से सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज दोबारा से शुरू हो गया है। वहीं बार बार सरकार कोरोना के फैलते असर को देखते हुए गाइडलाइंस जारी कर रही है, जिसके तहत एक बार फिर से नई गाइडलाइंस में सरकारी दफ्तरों के टाइम टेबल को बदलने का निर्णय लिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सचिवालय के साथ साथ सभी जिलों कार्यालयों को टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। सचिवालय में कामकाज की अवधि को 2.5 घंटे कम कर दिया गया है। वहीं जिला कार्यालय में 1 घंटे की कमी की गई है। सचिन तेंदुलकर के नक्शे कदम पर चल रहे पृथ्वी शॉ। क्रिकेट की दुनिया के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नक्शे कदम पर अब युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ चल रहे हैं। पृथ्वी शॉ ने हाल ही में कहा है कि उनके आदर्श सचिन तेंदुलकर ने हमेशा उनसे अपना स्वाभाविक खेल मैदान में दिखाने के कहा है और बाहर शांत रहने को कहा है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि सचिन का मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जब 8 साल का था तब मैं उनसे पहली बार मिला था। उन्होंने हमेशा मुझे अपने स्वाभाविक खेल स्थिति के हिसाब से खेलने को कहा है। मैदान के बाहर उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि तेंदुलकर ने एक बार उनसे ग्रिप बदलने को कर दिया था क्योंकि सचिन सर को पता था कि मैं निचले हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करने वाला खिलाड़ी हूं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नंद किशोर कुमार, साहिल आलम खान, आनंद कुमार, कुमार रवि, प्रीतम कुमार, राजू कुमार, स्वीटी कुमारी, नंदन कुमार, अजय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना के रोकथाम में लगे पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रहे बदसलूकी के रोकथाम के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।